Why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? तो इसमें पूछा गया है कि आइस 273 केल्विन में कूलिंग इफेक्ट देने में ज़्यादा मतलब सक्सेसफुल क्यों है, आप बोल सकते हैं मतलब ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट क्यों देता है 273 केल्विन में, लेकिन 273 केल्विन में ही वाटर उतना कूलिंग इफेक्ट नहीं दे पाता, मतलब कि उतना ठंडा इफेक्ट नहीं दे पाता, ऐसा क्यों होता है? तो इसके आंसर के लिए आपको लेटेंट हीट जानना पड़ेगा. लेटेंट मतलब होता है हिडन, हिडन समथिंग मतलब कुछ छुपा हुआ हीट, ठीक है. तो जब आइस मेल्ट होता है, व्हेन आइस मेल्ट्स इट टेक्स द लेटेंट हीट फ्रॉम द सब्सटेंस टू फॉर्म लिक्विड एंड हेल्प्स एंड हेंस कूल्स द सब्सटेंस मोर इफेक्टिवली. यानी कि जब आइस गलता है तब वो क्या करता है, सब्सटेंस से वो छुपा हुआ हीट ले लेता है और उस सब्सटेंस को वो ठंडा कर देता है. मानिए हमारे हाथ में हमने आइस लिया, तो जैसे जैसे आप देखेंगे कि आइस गल रहा है तो वैसे वैसे आपका हाथ ठंडा पड़ जाएगा. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आइस गलने के लिए वो हमारे हाथ से हीट लेता है, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट. उस हीट के लेने के वजह से वो हमारे हाथ से, क्योंकि उसने हीट ले लिया है तो हमारा हाथ ठंडा पड़ जाता है. लेकिन वाटर एट द सेम टेम्परेचर, अगर हम पानी अपने हाथ में ले, कैन नॉट टेक एनी सच लेटेंट हीट फ्रॉम द सब्सटेंस. मान लीजिए वो सब्सटेंस हमारा हाथ ही है, तो हमारे हाथ में अगर हम पानी ले तो देखिएगा पानी से हमारा हाथ ठंडा नहीं होता है. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी जो है हमारे हीट से लेटेंट हीट मतलब छुपा हुआ हीट, या फिर आप बोल सकते हैं जो हमारे हाथ का जो हीट होता है वो हीट पानी नहीं ले सकता, इसीलिए हमारा हाथ मतलब आइस से ज़्यादा ठंडा हो जाता है लेकिन वाटर से नहीं होता. और ये सिर्फ हमारे हाथ के लिए नहीं, ये कोई भी सब्सटेंस के लिए एप्लीकेबल है. आइस उसको ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट देगा उस सब्सटेंस को, लेकिन पानी उतना नहीं दे पाता. हाँ थोड़ा तो ठंडा होता है लेकिन आइस के जितना नहीं दे पाता, क्योंकि आइस लेटेंट हीट ले पाता है, ठीक है. तो इस कूलिंग इफेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है लेटेंट हीट. चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.